हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टिंग के मेथड्स। तो नेक्स्ट मेथड वी आर टॉकिंग मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर। बट बिफोर टॉकिंग दिस मेथड, लेट अस सी लिमिटेशंस ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर मेथड्स। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द लिमिटेशन of NPV method. So we have seen that in capital investing we are given in zero time period what is our initial investment, and then we are given cash inflows which will arise in future over the life of project. Suppose life is 5 years, so you are given cash inflows every year. So again, to calculate NPV, we are given discount rate, which is denoted by R, suppose 10%. So in this case, we calculate present value cash inflow at 10%. So our assumption is, so if you want to reinvest cash inflow for future period, they can be reinvested at the same discount rate. So it means assumption is cash inflows can be reinvested so at discount rate is also called required return by investor who is investing money in a project. So it means cash inflows are reinvested at discount rate and which remains constant in future. Similarly, let us say what is limitation of IRR. So this was limitation of NPV, so limitation of IRR. So in case of IRR, we calculate present value cash inflow so that it becomes equal to investment. It means IRR is so actual return which is achieved on a project, so over its life. It means IRR is that rate of return at which present value of cash inflow becomes equal to initial investment. So here our assumption is that cash inflows can be reinvested at the same rate of return which is actual return. So in this case, what is our assumption? Assumption is cash inflows can be reinvested at the same return, which is the same rate, which is equal to actual return. So means NPV में हमारी assumption होती है कि cash inflow को हम reinvest करके हैं discount rate के ऊपर, ये constant रहते हैं. IRR में हमारी assumption है कि cash inflows आपके reinvest हो रहे हैं actual rate of return जो आपको achieve हो रही है. बट रियलिटी में आपकी जो डिस्काउंट रेट है या रिटर्न है ये फ्लक्चुएट होती रहती है. तो यही हमारी लिमिटेशन बन जाती है एनपीवी एंड आईआरआर की. तो इट मीन्स लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ दोनों की एनपीवी एंड आईआरआर इज गैट इन रियल प्रैक्टिस. सो अवर रिटर्न इज नॉट कॉन्स्टेंट. रिकरन मीन्स मार्केट में जो रिकरन आपको मिल रही है. सो यू कैन ऑल्सो से मार्केट रिकरन. सो इज नॉट कॉन्स्टेंट. सो देयर फॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू री इन्वेस्ट कैश इनफ्लो एट सेम रेट ऑफ रिकरन. सो देयर फॉर वी कैन से दैट कैश इनफ्लो मे नॉट बी री इन्वेस्टेड एट सेम रिकरन. वी कैन सेम रेट ऑफ रिकरन. तो इट मीन्स अब यदि आप कैश इनफ्लो को री इन्वेस्ट करके हैं डिफरेंट रेट के ऊपर जो फ्लक्चुएट भी हो सकता है ईयर बाई ईयर, और इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिस्काउंट रेट और एक्चुअल रिटर्न, देन वी गेट टू कॉन्सेप्ट मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर. सो देयरफॉर वी कैन से गेट व्हेन कैश इनफ्लोज सो आर री इन्वेस्टेड एट ए डिफरेंट रेट. डिफरेंट रेट का मतलब क्या है, ये है अब आपका मार्केट रेट, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न.
इट मीन्स इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डिस्काउंट रेट जो हम एनपीवी में यूज कर रहे हैं और एक्चुअल रिटर्न जो आपको आईआरआर के थ्रू मिल रही है. इट मीन्स व्हेन कैश इनफ्लोज आर रीइन्वेस्टेड एट डिफरेंट रेट देन वी गेट. अब उसके बेस पर जब आप एनपीवी कैलकुलेट करेंगे या आईआरआर देन इट कॉल्ड वी गेट मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर. उसको हम शो करके MIRR. तो देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर. नाउ लेट अस सी कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर. दिस इज मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड आईआरआर. लेट अस सी आपको जो देखा गया है जीरो टाइम पीरियड में वी मेक इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड देन वी गेट कैश इनफ्लो इन फ्यूचर टाइम पीरियड इन फर्स्ट ईयर सेकेंड आपको एन नंबर ऑफ ईयर्स. अब आपको उसमें एक को मिलेगा डिस्काउंट रेट लेट अस से जिसे जबर आर जिसे जो डिस्काउंट रेट और एक आपको मिलेगा मार्केट में जो रिकरन चल रही है जिसके बेस पर आप कैश इनफ्लो को री इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो उसको हम डिनोट कर सकते हैं जिसे जबर आर कैश. इसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रेट जिसे जो री इन्वेस्टमेंट रेट. So at which so cash inflows are reinvested. अब देखिए क्या क्या स्टेप्स हैं. तो इसमें आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी व्हाट विल बी फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इफ दे आर reinvested at R cash reinvestment rate and this will be calculated till end of life of project. It means step number one is first of all we will calculate total future value of cash inflow so at reinvestment rate. तो ये reinvestment rate आपको mention किया होगा question में. So till end of life of project इसका फार्मूला देखें. सपोज लीजिए आपकी life आपको जैसे की है 5 years. तो अब आपकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी. फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एट एंड ऑफ एन ईयर. तो देखिए आप लिखे हैं फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो CIF फॉर फर्स्ट ईयर. इसको देखो आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं सेकंड ईयर के लिए देन थर्ड ईयर देन फोर्थ ईयर देन फिफ्थ ईयर. एक में 4 साल के लिए आप इसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऐड करना है री इन्वेस्टमेंट रेट आर कैश फॉर 4 ईयर. फिर आपको सेकंड ईयर में कैश इनफ्लो मिलेगा उसको भी आप री इन्वेस्ट कीजिए. इसको अब आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं एट आर कैश फॉर 3 ईयर. सेकंड ईयर से लेकर देखो कितने हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर. 3 साल रहेगी 3 साल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा. तो इस तरीके से सभी की आप कैलकुलेट कीजिए. देन वी हैव कैश इनफ्लो ऑफ थर्ड ईयर. इसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं आर कैश फॉर 2 ईयर प्लस वी हैव कैश इनफ्लो ऑफ फोर्थ ईयर. ये आपका री इन्वेस्ट हो जाएगा आर कैश फॉर 1 ईयर. देन वी हैव कैश इनफ्लो ऑफ फिफ्थ ईयर. अब आपका एक लास्ट ईयर आ गया फिफ्थ ईयर. एक कैन नॉट बी री इन्वेस्ट है तो उसको हम लिखेंगे इक्विटी री इन्वेस्ट फॉर 0 पीरियड. तो इसमें कैश इनफ्लो आपका कॉमन आ जाएगा यदि आपका सेम है बाकी फिर डिफरेंट फिर आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है. इन सबका टोटल कर लीजिए ये आपकी आगे फ्यूचर वैल्यू एंड गो फॉर एन टाइम पीरियड. इस एग्जाम्पल में आ गई 5th ईयर में. अब आपको एन पी भी कैलकुलेट करनी है. स्टेप सेकेंड कैलकुलेट और इस एन पी का नाम है मॉडिफाइड एन पी भी. कैलकुलेट मॉडिफाइड एन पी भी इसको नॉर्मली हम शो करके हैं एन पी भी विद एस्ट्रिक साइन. तो अभी जो फ्यूचर वैल्यू आ गई है आपकी 5th ईयर में इसकी कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू 0 पीरियड में. तो फार्मूला बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू एट एंड ऑफ एन नेक्स्ट टाइम पीरियड. इसको मल्टीप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर. पीवी फैक्टर आपको लेना है डिस्काउंट रेट के ऊपर आर फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स माइनस कर लीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसी ओवर मॉडिफाइड एन पी वी. तो सिंपल केस है. तो इट मीन्स फ्यूचर वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो जाएगी एन नेक्स्ट ईयर में और आपने पी वी फैक्टर अप्लाई करना है सिंगल पीरियड का लास्ट ईयर का जो भी आपको दिया है डिस्काउंट रेट.
तो आप देख लीजिए आर है आपका डिस्काउंटेड, आर डैश है आपका री इन्वेस्टमेंट रेट। देन लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट स्टेप थ्री मॉडिफाइड IRR। इफ देयर आस्किंग कैलकुलेट मॉडिफाइड IRR, तो इसको हमने शो कर दिया MIRR। तो IRR एक डैश रेट और रिटर्न एट विच प्राइजिंग वैल्यू कैश इनफ्लो इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास कैश इनफ्लो की फ्यूचर वैल्यू आ गई है आफ्टर एन पीरियड, और इसकी कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू, तो इसको डिवाइड कर लीजिए एट 1+R आपका मिसिंग है, और वी कैन से IRR, तो आप IRR भी ले सकते हैं 1+IRR कितने टाइम के लिए, एन ईयर के लिए। ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है लास्ट ईयर की, तो उसके ऊपर पी वी फैक्टर बन जाएगा एक तरीके से लास्ट ईयर का। सो दैट दिस इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो फ्यूचर वैल्यू भी है इन्वेस्टमेंट भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1+IRR और एन ईयर इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू और एन एच ईयर डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे आर की जो वैल्यू है ये आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो अभी देखेंगे बिग एग्जाम्पल कैसे इसको आपने सोल्व करना है। ये कहा हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट को मॉडिफाइड एनपीवी एंड मॉडिफाइड IRR। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पे बैक पीरियड से रिलेटेड। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट पे बैक पीरियड एंड पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। वी हैव सीन दैट व्हाट इज पे बैक पीरियड। अब देखिए आपको ये देखा गया है क्वेश्चन में, नॉर्मली जीरो टाइम पीरियड है, इन्वेस्टमेंट आपको दिया है इनिशियल, लाइफ इज गिवन फॉर ए प्रोजेक्ट, कैश इनफ्लोस आर गिवन। सो वी नो दैट व्हाट इज पे बैक पीरियड, जिसको हम पी बी से शो करते हैं। पे बैक पीरियड होता है कि आपकी कितने टाइम में आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी फ्रॉम दिस कैश इनफ्लो, इट मीन्स इट रेफर्स टू टाइम पीरियड, सो ड्यूरिंग विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड फ्रॉम कैश इनफ्लो। तो इट मीन्स आपने देखना है कि जितने आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं तो डैट मच कैश इनफ्लो वी हैव टू रिकवर। तो सपोज ये आपकी रिकवर हो जाती है, लाइफ आपकी है 5 years और आपका पे बैक पीरियड है 3 years, यानी बट इज पोस्ट पे बैक पीरियड। पोस्ट पे बैक पीरियड इट मीन्स बट इज रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर इट्स पे बैक पीरियड, सो इट इज कॉल्ड रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर पे बैक पीरियड। इसका फार्मूला बनना क्या है, जितनी लाइफ है उसमें से माइनस कर लीजिए आप, लाइफ को हम गिनो करके हैं एन ईयर्स से, माइनस जितना पे बैक पीरियड है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपकी लाइफ 5 years है, पे बैक पीरियड है 3 years, तो रिमेनिंग पीरियड आपका रह जाएगा 2 years, जैसे कहा जो पोस्ट पे बैक पीरियड। सिमिलरली समटाइम वे आस्क व्हाट इज पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे हमने देखा है पोस्ट पे बैक पीरियड आपका आ रहा है 2 साल का, तो 2 सालों में जो कैश इनफ्लो मिलेगा जैसे कहा जो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, तो इट ऑल्सो मीन्स सो टोटल कैश इनफ्लो विच इज अचीव ड्यूरिंग पोस्ट पे बैक पीरियड। इसका फार्मूला बन जाएगा, अब देखिए टोटल कैश इनफ्लो आपको कितना मिल रहा है ड्यूरिंग होल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, तो इट मीन्स वी कैन से फार्मूला इज पोस्ट पे बैक पीरियड इक्वल टू टोटल कैश इनफ्लो ड्यूरिंग लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट एंड माइनस, फिर आपको देखना है कि पे बैक पीरियड में आपने कितना कैश इनफ्लो रिकवर किया है। पे बैक में हम रिकवर करके हैं इन्वेस्टमेंट कितनी आपने की थी, इट मीन्स माइनस कर लीजिए कैश इनफ्लो रिकवर्ड ड्यूरिंग पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड का जो कैश इनफ्लो आप अचीव कर चुके हो उसके बाद जो रिमेनिंग कैश इनफ्लो मिलेगा जैसे जो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, जिसे पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी।
इट मीन्स वी कैन से फार्मूला इज, अब आप देखिए पे बैक पीरियड तक जो आपने कैश इनफ्लो रिकवर किया था उसमें हमारा पर्पज था कि आपने इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है, तो वो रिकवर हो गई है. सो वी कैन से पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इज टोटल कैश इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ, और उसमें से माइनस कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट. तो कोई आपको पे बैक पीरियड आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई है, उससे अब जो एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो मिलेगा जिसे जो अचीव ड्यूरिंग पोस्ट पे बैक पीरियड, जिसे कहा जो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी. एक एग्जाम्पल्स करके हैं, उनसे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो लगे सी एग्जाम्पल नंबर 3, तो जिस एग्जाम्पल ही बेस्ड ऑन मोडिफाइड एंट्री बैंक मोडिफाइड किया जा रहा है, इसमें आपको इनको मेंशन किया है प्रोजेक्ट एक्स इन्वॉल्व इनिशियल आउटले 110,000 एंड प्रोवाइड्स अ कैश इनफ्लो फॉर फ्यूचर 4 ईयर्स ड्यूरिंग इस लाइफ. तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी है प्रोजेक्ट में, विच इज 0 टाइम पीरियड, जैसे 110,000, इसकी लाइफ हमें दे रखी है 4 ईयर्स. तो 1, 2, 3 एंड 4 कैश इनफ्लोज आर गिवन ड्यूरिंग इट्स लाइफ. इन फर्स्ट ईयर की 31,000, देन 40,000 एंड 50,000 एंड इन द लास्ट ईयर की 70,000. So if reinvestment rate of cash inflow is 14%, find out modified NPV and modified IRR of project tax if cost of capital is 10%. आपको जो डिस्काउंट रेट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो है आपकी 10%, और जो रीइन्वेस्टमेंट रेट है आर कैश जिसे जो 14%. तो आपको कैलकुलेट करनी है मोडिफाइड NPV एंड मोडिफाइड IRR. तो इसमें देखिए पहला स्टेप क्या है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू कैश इनफ्लो टिल एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, स्टेप 1. सो कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट. लाइफ है आपकी 4 ईयर्स, सो एट एंड ऑफ 4th ईयर. तो आप उसको टेबल के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं. So let us write, so year 1, 2, 3 and 4, what is your cash inflow in rupees, this is given 31,000, 40,000, 50,000 and 70,000. अब इनको आप री इन्वेस्ट कीजिए उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलेगी 14%, जो आपका री इन्वेस्टमेंट रेट है, तो उसको इनको कर लीजिए 1.14. जो पहले साल कैश इनफ्लो मिलेगा ये आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं 3 सालों के लिए, सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उसके ऊपर 3 साल का आपको इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा. सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट ऐड होगा रिमेनिंग 2 ईयर्स, थर्ड ईयर में जो कैश इनफ्लो है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर, और जो लास्ट ईयर है उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 0 पीरियड. तो दिस विल बी फ्यूचर वैल्यू एट एंड ऑफ 4th ईयर. तो लेके सी हाउ मच इज यू दिस वन, तो वैन 1.14 रेज टू पावर 0, इट मीन दिस वैल्यू इज 1, तो ये वैल्यू आपकी सेम रहेगी, जिसे जो 70,000, यानी 50,000, इनको 1.14, 57,000, यानी कि जो 1.14 टू टाइम्स इनको 40,000, तो ये सी जो कमिंग टू बी 51,984 एंड 1.14 थ्री टाइम्स इनको 31,000, दिस इज कमिंग 45,928 एंड टेक इज टोटल 51,984 प्लस 127,000, दिस टोटली कमिंग 224,912. तो किसी अवर टोटल फ्यूचर वैल्यू एट एंड ऑफ 4th ईयर.
अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोदी भाई एनपीवी, डिस्काउंट रेट देखो आपको दिया है 10% इन्वेस्टमेंट है 110 हो गया। तो बच्चे जो मोदी फाइल को एनपीवी इसका फार्मूला है, जो फ्यूचर वैल्यू है उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट डिस्काउंट रेट है 10% फोर फोर ईयर माइनस रिलीजिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर वैल्यू होगी 224912, पी वी फैक्टर है आपका 10% फोर फोर ईयर 0.683, इन्वेस्टमेंट की आपकी 110 होगी। तो जिसे कहा गया मोबी फाइल एन पी वी, जिसको आप शो कर सकते हैं एन पी वी बिल्कुल एस्ट्रिक साइन। तो जिस अमाउंट की कमिंग इनको 0.683, सो माइनस इन्वेस्टमेंट 110, तो जिसे 43615। तो जिसे ये बढ़ो मोबी फाइल एन पी वी। नाउ लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट मोबी फाइल को आई आर आर। नेक्स्ट वी हैव मोबी फाइल को आई आर आर। मोबी फाइल आई आर आर की गैक रिकवरी करें एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जैसे टोटल फ्यूचर वैल्यू, तो इसकी आप कैलकुलेट कीजिए, ये जो फ्यूचर वैल्यू है उसकी हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू एट आई आर आर, जिसका नाम है मोबी फाइल आई आर आर फोर फोर ईयर, 4 साल के बाद आपको मिलेगी फ्यूचर वैल्यू, तो उसके ऊपर अप्लाई कीजिए 1.8 किसी का पी वी फैक्टर। तो इसमें किसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस फ्यूचर वैल्यू सो गैट इट इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो अब आपको ये रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1+ मोबी फाइल को आई आर आर एक टू पावर 4 जिस फ्यूचर वैल्यू एक 224912 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट की 110 करना। उसमें इस फैक्टर की जो वैल्यू है जिस शुड बी 224912 डिवाइडेड बाई 110 हो गए, इट शुड बी 2.045। अब आप हीट एंड ट्रायल अप्लाई कर सकते हैं, तो लेट मोबी फाइल आई आर आर एन पी वी देखो आपने कैलकुलेट की थी 10% के ओवर, विच इज वेरी हाई एन पी वी है, तो इट मीन्स इसको आपने रिड्यूस करना है इस वैल्यू को, सो गया है इट बिकम्स इक्वल टू 110, तो ट्राई करते हैं लेट मोबी फाइल आई आर आर 20%। तो उसमें लेफ्ट साइड की वैल्यू आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखिए 1+ मोबी फाइल आई आर आर 1+20% रेस टू पावर 4, तो जिस वैल्यू की कमिंग 2.0736, पर आपको चाहिए 2.045 स्लाइटली लोअर एंड किसी स्लाइटली हायर, लेट अस केक लेफ्ट मोबी फाइल आई आर आर इज इक्वल टू 18%। अब इसको रिड्यूस कर लेते हैं, पहले हमने लिया 20%, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1.18 रेज टू पावर 4 1.18, तो जिस वैल्यू इज कमिंग 1.9388। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, तो वो 2.045 इज इन बिटवीन दिस, तो नाउ वी गेट टू मोबी फाइल टू आई आर आर। अब देखिए लो रेट है आपका 18%, उसके बेस पर आपको वैल्यू मिल रही है जिस मच 1.9388, और आपको वैल्यू चाहिए 2.045। नीचे लेंगे हम डिफरेंस इन दोनों में 1.9388 माइनस 2.0736, इनको डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट 20-18 2%, किसी की 18+। अब देखेंगे ये भी नेगेटिव है, किसी आल्सो नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो सो जिस डिफरेंस है 1.9388 माइनस 2.045 किसी 0.1062 अपॉन 1.9388 माइनस 2.0736 इसे 0.1348 इंटू 2%, तो जिसे ये 18+ 0.1062 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 0.1348 जिसे ये 1.576, सो गेट आंसर इज कमिंग 19.58%। आप राउंड ऑफ कर सकते हैं
this is our modified IRR. Next, let us see example number 4. This example is based on post payback period and post payback profitability. Let us in this case, project JAG involves initial outlay of ₹120,000 and provides annual cash inflow of ₹40,000 for 5 years. इसमें ये ही आपको एक प्रोजेक्ट मेंशन किया है, इट रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹120,000 एंड लाइफ इज गिवन टू बी 5 ईयर्स, और इससे जो आपको कैश इनफ्लो मिलेगा पर एनम जिसे जो कॉन्स्टेंट ₹40,000. सो वी हैव टू डिटरमिन पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड एंड पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट जेड. तो सिंपल केस है, तो आपका जो कैश इनफ्लो है ये कॉन्स्टेंट है हर साल, तो फर्स्ट लेटर से बच गई पे बैक पीरियड. जब आपका कैश इनफ्लो सेम है, पे बैक पीरियड बन जाएगा इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई कैश इनफ्लो, तो जिसे जो 3 ईयर्स. बच गई पोस्ट पे बैक पीरियड, इट मीन्स बाकी रिमेनिंग लाइफ आफ्टर पे बैक पीरियड. टोटल लाइफ है आपकी 5 - 3, इट विल बी 2 ईयर्स. एंड बट इट यू पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, इट मीन्स बट विल बी टोटल कैश इन फ्लो विच रिसीव आफ्टर पे बैक पीरियड. अब देखिए टोटल कैश इन फ्लो आपको मिल रहा है ड्यूरिंग लाइफ 14 - 5, और आपको पे बैक पीरियड आपने रिकवर किया है हाउ मच कैश इन फ्लो 120, जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो माइनस कर लीजिए, इट मीन्स पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी ₹81,000. दिस इज क्वाइट सिंपल. इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडिफाइड एनपीवी, मॉडिफाइड आईआरआर, पोस्ट पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी विद एग्जाम्पल्स. तो फर्दर एग्जाम्पल्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.